आज मैं इंडियन पॉलिटी की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें टॉपिक वाइज मैं आपको वन लाइनर्स पॉलिटी के पढ़ाऊंगी। देखिए, एक्सप्लेनेशन वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट अब हम वन लाइनर्स की ओर आ रहे हैं। तो यूपीएससी के अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे, क्योंकि हम इसे टॉपिक वाइज जो है वन लाइनर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी पहली मीटिंग कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के नाम से कौन जाने जाते हैं? सर बी एन राव। सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले परमानेंट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, ये पहले परमानेंट चेयरमैन थे, लेकिन इससे पहले इंटरिम चेयरमैन या इंटरिम प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन थे एच सी मुखर्जी। अब देखिए होता क्या है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, तो उस टाइम पे इंटरिम प्रेसिडेंट या इंटरिम चेयरमैन बना दिए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से मीटिंग हुई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंटली जो है चेयरमैन बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। बाकी वाइस चेयरमैन तो यही थे शुरू में भी, बाद में भी एच सी मुखर्जी, राइट। थर्ड पॉइंट आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है कि 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो देखिए, ये जो डेट है इस दिन अडॉप्ट किया गया, लेकिन प्रॉपर तरह से हर एक चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुई थी। नाउ जो 26 नवंबर है 2015 से इस दिन को मनाया जाता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। सिंस 2015 दिस डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ड्यूरेशन फॉर मेकिंग द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का पूरा संविधान लिखने में कितना टाइम गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्योंकि देखिए, अलग अलग चीजें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से कंसेप्ट लिया गया, थोड़ा मॉडिफाई करके उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, तो और कॉन्स्टिट्यूशन जो है और कंट्रीज के वो उनकी भी थोड़ी स्टडी करनी पड़ी, तो इसलिए इतना ज्यादा टाइम लग गया। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड एक पॉइंट। सो दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई होम? इंट्रोड्यूस्ड बाई आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उस टाइम तो चलिए अभी तो इंडिपेंडेंट ही नहीं हुए थे, प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बने थे, बट बाद में चल के यही पहले प्राइम मिनिस्टर रहे जिनका लॉन्गेस्ट टेन्योर है अभी तक का, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया और एक्चुअल में अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो ये डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है टोटल सेशंस ड्यूरिंग एंटायर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जितने टाइम पे संविधान बना उस टाइम पे काफी ज्यादा सेशंस हुए जिनमें काफी चीजें डिस्कस की जाती थी, तो टोटल नंबर ऑफ सेशंस कितने थे? 11। सेवंथ पॉइंट है द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंडियन फ्लैग अडॉप्टेड ऑन। अब देखिए, जो हमारा झंडा है, भारतीय झंडा है, जो इंडियन फ्लैग है, जो कि प्रेजेंट फॉर्म में, जैसे कि 3 कलर्स हैं, सेफ्रन है, व्हाइट है, ग्रीन है, बीच में अशोक चक्र है, वो सब कुछ, तो जो प्रेजेंट फॉर्म है वो जो इंडियन फ्लैग है कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को। एट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैंड रिटन बाय। जो भारत का संविधान है लिखा गया किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल विद कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है कि हाथ से तो लिख रहे हैं लेकिन साथ में थोड़ा बहुत जो है डायग्राम्स भी मेंशन किए हुए हैं, एंड फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल मतलब इटैलिक हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। नाम याद रखना है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। अब चलते हैं नाइन्थ पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे नेशनल एम्बलम की बात की जा रही है। सो अशोकन पिलर अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया ऑन। अब जो हमारा अशोकन पिलर है उसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह शामिल किया गया या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह डिक्लेयर किया गया, अडॉप्ट किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। टेंथ पॉइंट है ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कौन से दिन? 29 अगस्त 1947 को, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर। अब देखिए, बी आर अम्बेडकर जी जो है ये चेयरमैन रहे ड्राफ्टिंग कमेटी के। टोटल 7 मेंबर्स इसके अंडर थे, एक तो हो गए बी आर अम्बेडकर जी, बचे 6। तो जो 6 मेंबर्स बचे हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। प्लस बी आर अम्बेडकर जी का नाम जो है अनटचेबिलिटी से भी रिलेटेड है कि उन्होंने जो अनटचेबल्स थे उनके लिए काफी ज्यादा जो है वो काम किया है। नाउ 11th पॉइंट है बी आर अम्बेडकर जी के बारे में ही है दैट ही और बी आर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड फ्रॉम। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन सी प्रेजिडेंसी से इनको इलेक्ट किया गया था? बंगाल प्रेजिडेंसी से, ठीक है। अब देखिए, आप यूपीएससी के अलावा किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वन लाइनर्स की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि हम कहानी तो पढ़ लेते हैं बट जब हमसे एकदम से कोई क्वेश्चन पूछ ले हमारा फ्रेंड या कोई भी, तो हम एकदम से
कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो थोड़ी सी आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ा सा जो आपको लगता है कि पॉइंट्स नहीं पता उनके हल्के से नोट्स बना लिए, जो आपको लगता है कि मुझे पता है उनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ इस पेज पे हम वन लाइनर्स नहीं पढ़ेंगे बट तीन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। पहला है इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कौन सी पर्सनैलिटी के पास कौन सा डिपार्टमेंट था। फिर हम पढ़ेंगे कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कौन सी फेमस कमेटी के चेयरमैन कौन थे। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में। फाइन, आपका हल्का सा रिविजन हो जाएगा। नहीं आपको पता, नहीं आपने नोट्स बनाए हैं, तो इसे देख के आप नोट्स भी बना सकते हैं। सो हेड और यहाँ पे डिपार्टमेंट। सो जवाहरलाल नेहरू जी के पास था कॉमनवेल्थ एंड फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट। वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। जॉन मथाई इंडस्ट्री एंड सिविल सप्लाईज। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर। लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्ट्री। सी राजगोपालचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स। अब आप ये तो बोल देंगे कि देख के आप बोल रहे हो, लेकिन इसमें पढ़ाना क्या है ना, इसमें इतने छोटे छोटे चीज़ों में तो ट्रिक्स नहीं चलेंगी। ये तो आपको पढ़ के ही धीरे धीरे याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो क्लरिकल लेवल के, सुपरिटेंडेंट लेवल के, या टीचिंग लेवल के, SSC लेवल के, ये जो चार पाँच एग्जाम्स है ना, इनमें यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नाउ इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, हर एक पर्सन को जो है एक मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट दिया गया था, वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट आता है कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज। ड्राफ्टिंग कमेटी, B.R. अंबेडकर जी उसके चेयरमैन थे, यहाँ पे कमेटी का नाम और यहाँ पे चेयरमैन का नाम लिखा हुआ है। यूनियन पावर्स कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। स्टेट्स कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में। तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, 29 अगस्त 1947 को। कौन इसके चेयरमैन थे, B.R. अंबेडकर जी। अब कितने मेंबर्स थे टोटल, 7, एक हो गए चेयरमैन, तो बचे 6। कौन कौन से हैं, N. गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर K.M. मुंशी, N.M. राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड T.T. कृष्ण मचारी। अब N.M. राव की जगह पहले थे B.L. मित्रा और T.T. कृष्ण मचारी की जगह पहले थे D.P. खेतान। तो इनका जो है बाद में ये शिफ्ट हुए थे, मतलब चेंज हुए थे, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताएं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं या नहीं, क्योंकि अगर आप लोग इस सीरीज़ को सपोर्ट करेंगे तभी मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।